We all know number of problems oily skin comes with. By using the wrong products, it just ends up with clogged pores, acne, pimples, cystic nodules, and facial disfigurement. If you want to get rid of your oily skin, then you must follow and watch my full video. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सारा अहमद, FCPH डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन. आई एम वर्किंग एज डेजिग्नेटेड डर्मेटोलॉजिस्ट एट अ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल लाहौर. आई एम ऑल्सो मेम्बर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट. आज हम आपसे बात करेंगे कि ऑयली स्किन क्या है, क्यों होती है और इसकी इफ़ेक्टिव रेमेडी क्या है. सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ऑयली स्किन की जो रूट है, रूट कॉज क्या है. देखा जाए तो बज़ाहिर हमें इस पर दो तीन चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह है जिसको हम क्योर भी नहीं कर सकते, वो है जेनेटिक्स. यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑयली स्किन रही है पास्ट में, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्किन भी ऑयली होगी. दूसरी मेन रीज़न है हॉर्मोन्स, जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड्रोजन, जैसा कि ये एक मेल हार्मोन है और ये मेल्स में डेट्स वाई ज़्यादा कॉमन है. लेकिन ये हार्मोन एक्टिव कब होता है? ये एक्टिव होता है प्यूबर्टी पे, लाइक 16 टू 17 ईयर्स ऑफ मेल्स एंड 13 टू 14 ईयर्स ऑफ गर्ल्स में ये हार्मोन एक्टिव होता है. और ये उन खास खुलियों पे असर करता है जो कि स्पेशियस ग्लैंड कहलाते हैं, और ये स्पेशियस ग्लैंड ही हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब इनकी डिटेल में तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी जो वजूहात हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं. वो ना सिर्फ आपकी ये जेनेटिक्स है, बल्कि आपकी एज भी है, आपकी फूड भी है. बट आई विल फोकस माई टूडेज टॉपिक टूवर्ड्स द ओनली द स्किन केयर रूटीन. स्किन केयर रूटीन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, फेस वॉश 2 to 3 टाइम्स अ डे. डेट विल हेल्प इन रिमूविंग होल ऑयलीनेस ऑन योर स्किन. बट रिमेंबर मोर एग्रेसिव फेस वॉशिंग लाइक द पीपल डू, जैसे कि लोग करते हैं कि जैसे ही पसीना आया वॉश कर लिया. करें, आप ज़रूर करें, बट आपने 2 से 3 दफ़ा के से ज़्यादा नहीं करना. उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑयल की नेचुरल मॉइस्चराइजिंग लेयर है वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो स्पेशियस ग्लैंड हैं वो खुद को ज़्यादा एक्टिवेट कर लेंगे और फिर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. सो आपने 3 से 4 दफ़ा फेस वॉश कर लिया. अब देखना यह है कि क्या आपके कौन सा क्लिंजर है जो कि ऑयली स्किन के लिए बेटर सिलेक्शन है. उसके अंदर आपने सॉफ्ट जेंटल क्लिंजर यूज़ करना है, जिसके अंदर हार्श केमिकल्स ना हो, जो अल्कोहल फ्री, पैराबेन फ्री हो, जिसकी कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा थिक ना हो. और क्लिंजिंग के आपने दिन में, अगर आप डेली मॉर्निंग में आप उठते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो आपने एक प्रॉपर क्लिंजिंग करनी है, जो कि आपने मसाज की सूरत में करनी है. राउंड मूवमेंट्स के थ्रू आपने अपने पूरे फेस की क्लिंजिंग की, फिर आपने उसको प्रॉपरली वॉश किया, फेस टॉवल से उसको टैप किया. उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 2, टोनर. टोनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इन द स्किन केयर रूटीन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पीएच को भी बैलेंस रखती है. ये अल्कोहल फ्री होती है, ये आपके जो जितने भी पोर्स हैं उनको टाइट रखती है, यानी थोड़ा बंद रखती है, और ऑयल की सेक्रेशन को भी कंट्रोल करती है. सो आफ्टर डूइंग क्लेंजिंग यू हैव टू अप्लाई टोनर विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब्स. वो आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाना, कॉटन स्वैब्स के ऊपर लगा के तो आपने आउटवर्ड मूवमेंट में लगाना है. अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि ये दो चीज़ें तो आपने अपने डेली मॉर्निंग रूटीन में करनी है, बट यू हैव टू चूज़ सम वेरी गुड क्वालिटी सैलिसिलिक एसिड क्लिंजर और ग्लाइकोलिक एसिड क्लिंजर, जो कि आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं. वो भी आपकी जो स्किन की हाइड्रेशन है, जो उसका जो टेक्स्चर है, उसका जो शाइन एंड ग्लो है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ये तो हो गया आपका डे के रूटीन. उसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र. यूजुअली ये सोचा जाता है कि ऑयली स्किन चूँकि ऑलरेडी ऑयली है, ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र है, तो उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा नहीं है. जब आप क्लिंजिंग करेंगे, टोनर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी
कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, फेस आपका ड्राई हो जाएगा और उसके स्टिंगिंग सेंसेशन आपको होना शुरू हो जाएगी, तो वो ज़्यादा सन डैमेज का भी चांस आता होगा। सो आपने मॉइस्चराइजर भी ज़रूर अप्लाई करना है, बट आपने उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लेने हैं, लाइक आपने वाटर बेस्ड लेना है, ऑयल बेस्ड क्लिनजर नहीं लेना, जिसके ऊपर नॉन कोमिडोजेनिक लिखा हो वो अलग मॉइस्चराइजर लेना है, और जिसकी कंसिस्टेंसी आप अगर चेक कर लें तो वो थिक ना हो, थिक कंसिस्टेंसी हो, और अगर उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन ई हो तो इट्स बेटर। अच्छा, अगर आप मॉइस्चराइजर को आपको लग रहा है कि वो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा, तो आप सिंपली हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर। उसके बाद बात आ जाती है सनब्लॉक। सनब्लॉक के लिए इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम सन टैनिंग एंड सन डैमेज। सनब्लॉक के लिए भी अगेन वही सिलेक्शन, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स रीड करने हैं, वो नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए और उस वाटर बेस्ड होना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए वैसे स्पेसिफिक सनब्लॉक्स होते हैं, तो आपने वो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, वो आप खुद भी उसके इंग्रेडिएंट्स रीड कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपने कंसिस्टेंसी देखनी है, जितना SPF कम होगा लाइक 15 और 20 उसकी कंसिस्टेंसी उतनी लाइट और थिन होगी, वो उसके लिए उतना बेटर है। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाला SPF वाला आप लेंगे लाइक 50, 60, 80 उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है और वो फिर आपके पोर्स को क्लॉक कर सकता है, तो वो आपने कतन नहीं लेना। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड के जो सनब्लॉक्स होते हैं वो यूजली डिस्पेंस होते हैं, वो भी बेटर चॉइस है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि वो नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं, वो पोर्स को क्लॉग नहीं करते। ये तो आपकी हो गई डे रूटीन। अब हम बात कर लेते हैं नाइट टाइम रूटीन। नाइट टाइम रूटीन में आपने जो नंबर 4 पॉइंट है वो है आपने प्रॉपर क्लिनजिंग जो आपने करनी है। क्लिनजिंग के लिए भी अगेन आपको मैं वही एडवाइस करूंगी कि आपने जो क्लिनजर लेना है उसके अंदर आपने देखना है कि वो नॉन कोमेडोजेनिक हो, और वो जो है आपने प्रॉपर उसका मसाज करना है, फिर उसका फेस वॉश करना है, फिर उसके बाद जो है आपने मेकअप रिमूवर जो है वो आपने प्रॉपर एक मेकअप रिमूवर लेना है आपने, वो आपने मिल्की क्लिनजर की से आपने अपना नहीं करना यूज़। मेकअप रिमूवर के अंदर माइकलर वाटर होता है, बहुत अच्छा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी आपने अगेन राउंड राउंड मूवमेंट फेस की वॉश की, उसके बाद आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद अगेन फिर क्लिनजिंग यूज़ किया और आपने टोनर अप्लाई कर लिया। जब भी आप क्लिनजिंग करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो क्लिनजिंग जो है वो आपके पोर्स को ओपन करता है, सो दैट्स वाई टोनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल, बिकॉज इट विल नॉट अलाउ टू कीप इट ओपन एंड इट विल नैरो डाउन द होल डक्ट एंड द स्पेशियस ग्लैंड। तो सो आपने क्लिनजर के साथ इसको टोनर को ज़रूर कंबाइन करना है, और फिर नाइट टाइम में आप जो है एक कोई ना कोई नाइट क्रीम का अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सोने से पहले आप विटामिन सी का अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप ऑयली स्किन के इस इशू से बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो आई विल एडवाइस डैट यू कैन फॉलो माय दिस रिजीम, यू कैन पुट माय दिस एडवाइस इन योर डेली स्किन केयर रूटीन, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस एडवाइसेस ऑन द डेली बेसिस, देन यू विल डेफिनेटली विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। इससे रिलेटेड या फिर आप किसी और भी डर्मेटोलॉजिकल इशू से रिलेटेड मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई कार्ड पर प्रेस करके आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।